पृथ्वी पर ऐसे कई दुर्लभ जीव हैं, जिन्हें देखने के बाद यकीन नहीं होता। अब आज हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हाल ही में देखा गया और देखकर लोगों के होश उड़ गए। इन दिनों यह जानवर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले शायद ही आपने कभी इस तरह का कोई जीव देखा होगा। जी दरअसल, हम जिस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं वह लोमड़ी है। यह जंगल की सबसे चालाक जीव होती है और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जानवर को अपनी बुद्धि के बल पर मूर्ख बना लेती है। आप सभी ने भूरे रंग के इस जानवर को कई बार देखा होगा और इसके बारे में कई किस्से और कहानियों में सुना होगा, लेकिन इन दिनों जिस लोमड़ी की चर्चा हो रही है वो भूरे रंग की नहीं है। जी दरअसल, इस दुर्लभ लोमड़ी का रंग काला और गहरा भूरा है और अपने इसी रंग के चलते सुर्खियों में है। इस लोमड़ी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कनाडा के जंगलों में देखने को मिली। इस लोमड़ी को देखकर जानकार भी हैरान हैं, क्योंकि बेहद दुर्लभ है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि लोमड़ी किसी दूसरी प्रजाति की नहीं बल्कि एक विचित्र कंडीशन के कारण इस तरह की है। आपको बता दें कि ये लोमड़ी मिलेनिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित है। जी दरअसल, ये लोमड़ी को मिलेनिस्टिक लोमड़ी कहा जाता है और नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग, खासकर कनाडा में ये लोमड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट को माने तो इन क्रॉस फॉक्स को उनके फर के लिए सालों पहले तक इस्तेमाल किया जाता था। जी दरअसल, इंसानों समेत जानवरों में अगर मेलनिन की कमी हो जाए तो शरीर का रंग सफेद हो जाता है। इसी के साथ इस कंडीशन को एल्बिनिज्म भी कहते हैं।